गुरुग्राम में बेखौफ घूम रहे बदमाशों में किसी का खौफ नहीं नजर आ रहा। गुरुग्राम में बदमाशों ने दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना गुरुग्राम से आई, जो सोना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखबीर को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का फिलहाल सुराग नहीं लग पाया है। यह बात बिल्कुल ठंडी भी नहीं हुई थी। इसके बाद ही पटौथी खंड के सबसे बड़े गाँव बोहड़ाकला एकल रात्रि करीब 10 बजे सुमित चौहान स्क्रैप कारोबारी अपने ऑफिस का काम खत्म कर घर की तरफ जा रहे थे, तभी गांव के दो युवकों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। हमले के दौरान सुमित को दो गोली लगी और एक कमर में लगी, और गोली लगने के बाद सुमित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। अभी हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। जैसे ही पुलिस ने छानबीन शुरू की और पता लगाया कि उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गुरुग्राम पुलिस कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और बदमाशों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे। आपको बता दें, जो सुमित चौहान बोहड़ाकला के हैं, उन्होंने अभी गांव के अंदर एक बहुत बड़ा श्री श्याम खाटू वाले का प्रोग्राम जागरण किया था और गाँव में भंडारे का आयोजन किया था, और आज से 2 हफ्ते पहले सुमित के घर में खुशियों का माहौल था। अब देखते ही देखते खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। पटौती से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। अपने ऑफिस से काम बंद करके घर की तरफ जा रहे थे, तो छोटा बोड़ा मोड़ है, वहाँ पे कुछ बदमाश आए, भाई को कुछ राउंड फायर मारी, दो गोली सिर में लगी, एक कमर में लगी, ऐसा बताया जा रहा है। मैंने देखी, दो गोली तो मैंने देखी थी जो कि सिर में लगी हुई है, और भैया ने ऑन द स्पॉट वहीं भाई की मौत हो गई। कितने बजे घटना है? 10 बजे के आसपास की घटना है, रात को 10 बजे के आसपास। हमलावर कहाँ के थे? हमलावर भोड़ा के थे। तो उनमें से कोई पकड़ा है? हाँ, उनमें से एक पकड़ा, अमित, बाकी फरार है अभी।